नमस्कार, आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो आज की हमारी क्लास जो है वो एक बहुत ही बेसिक क्लास होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है जो भी स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं उनको पढ़ के समझना और उनके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब देना। अब ये प्रश्न किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ये प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, या ये प्रश्न सब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप छोटी क्लासों में देखेंगे 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम्स में, तो आपको ये मुख्यतः सब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगे, जहाँ पर सीधे प्रश्न दे दिया गया है और पैसेज पढ़ के आपको उसका जवाब देना है, आपके पास विकल्प नहीं है। पर ज़्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। अब क्योंकि ये वैकल्पिक प्रश्न है तो चॉइसेस की वजह से या विकल्प की वजह से इसको सॉल्व करना और भी सरल हो जाता है। अब जब भी हम MCQ के क्वेश्चंस, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग के पहले लिखा होता है डायरेक्शंस या निर्देश। उसमें सबसे प्रमुख निर्देश ये होता है, रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, मतलब इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और वही एक प्रमुख चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और पैसेज को ध्यान से पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। तो आपको अपना पूरा टाइम लेना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। कुछ शब्द स्पेसिफिकली होते हैं जैसे ओनली, एंड, बट, इफ़, ये शब्द अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, एक्सेप्ट। तो आपने पूरा कुछ पढ़ लिया है, आपको आंसर सही से पता है, क्वेश्चन सही से आता है, पर आपने क्योंकि एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, ओनली नहीं पढ़ा, आप अंत में जब आंसर मार्क करते हैं तो आप गलत मार्क कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से पैसेज को पढ़िए, स्पेसिफिकली ये जो शब्द होते हैं इन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? पहला तो होता है फैक्ट बेस्ड, जिसमें हम पूछते हैं कि सीधा सवाल क्या है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पैसेज है, द सरप्राइजिंगली अबंडेंट लाइफ ऑफ इंडियन ओशन इज़ कन्फाइंड टू अपर लेयर्स। अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इंडियन ओशन में कहाँ पर बहुत एबंडेंट लाइफ पाई जाती है या बहुत सारी लाइफ पाई जाती है? तो उसका सीधा उत्तर हो गया अपर लेयर्स में या ऊपरी सतह में। तो ये एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, या ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कई बार ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे अगर एक व्यक्ति है तो उसके साथ इज यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो उसके साथ आर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के इज आर ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर आपको मार्क करना होता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो बैंक पीओ वगैरह की परीक्षा में, SSC में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस में ग्रामर भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला होता है कि दो आइडियाज़ को जोड़ना। जैसे इस पैसेज में हम कह रहे हैं कि ऊपरी सतह में क्या है और बॉटम वाटर्स में क्या सिचुएशन है, तो आप दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, आप दो आइडियाज़ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो हो गया पहले प्रकार का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल। दूसरे प्रकार का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल होता है जिसमें हम कहते हैं डिराइव्ड नॉलेज। जैसे मुझे ये पता है कि क्लास ए ने जब एग्ज़ाम दिया तो सक्सेस रेट 80% था, क्लास बी ने जब एग्ज़ाम दिया तो सक्सेस रेट 90% था। अगर मुझसे उसका औसत पूछा जा रहा है या एवरेज पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर मुझे डायरेक्ट पैसेज में नहीं मिल रहा है, मुझे उसको डिराइव करना है, मतलब इन दोनों का एवरेज लेना है। 80 + 90/2, तो 85% जो होगा वो औसत या एवरेज होगा। तो ये जो आंसर हुआ ये आपकी डिराइव्ड नॉलेज पर बेस्ड है, ये आपके पास फैक्ट्स में या पैसेज में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। अगला है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है कि जिसने पैसेज लिखा है, आप जो पढ़ रहे हैं वो नहीं, जिसने पैसेज लिखा है वो उस पैसेज में क्या आइडिया कन्वे करना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑथर्स टोन, या लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा है उसको पता करने की विधि को हम बोलते हैं एनालिटिकल अप्रोच। और लास्टली जो हमारा होता है वो होता है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उससे कुछ नई इन्फॉर्मेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ नए आइडियाज़ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें पहली चीज़ होती है पैसेज की फेमिलैरिटी, आप उस चीज़ में रुचि रखते हैं या नहीं, आप उस चीज़ से परिचित हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हरित क्रांति पे पैसेज आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे पैसेज आता है, जो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की दूसरी क्लास में डिस्कस किया है, और आप
का बैकग्राउंड या आपने कभी उसके बारे में पढ़ रखा है तो आपके लिए उस वो पैसेज को समझ के सॉल्व करना निश्चित तौर पे आसान होगा। पर अगर कहा जाए कि आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको एक विज्ञान का या भौतिकी का डिफ़िकल्ट सा पैसेज दे दिया गया है तो निश्चित तौर पे आपके लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो फेमिलैरिटी जब आपकी टॉपिक से होती है तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब क्योंकि निश्चित तौर पे हर व्यक्ति की हर सब्जेक्ट में फेमिलैरिटी नहीं हो सकती, आप अपनी फेमिलैरिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल पढ़ के, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के, विभिन्न विभिन्न आयामों से न्यूज़ को समझना और पढ़ना, जैसे स्पोर्ट्स की न्यूज़, एंटरटेनमेंट की न्यूज़, फिर आपकी इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, एनवायरनमेंट न्यूज़, साइंस की न्यूज़, जनरल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़, तो इन सबको जब आप देखेंगे और समझेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। अब हम लेते हैं कि हमारे पास ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के आधार पे मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। पैराग्राफ निश्चित तौर पे बड़ा होगा पर पैराग्राफ के इस सेंटेंस से हम दो क्वेश्चंस उठाते हैं। पहला, व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर एबंडेंट। तो सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द और एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो एबंडेंट का मतलब अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि अपन यहाँ पैसेज में क्या कहना चाह रहे हैं। अपर लेयर्स में लाइफ अबंडेंट होता है पर बॉटम वाटर्स क्या है, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको यहाँ डिवॉइड का मतलब पता है कि लैक या पानी की, ऑक्सीजन की कमी है निचले वाटर्स में, तो अगर यहाँ पर हम कमी की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम अबंडेंस या अधिकता की बात कर रहे हैं। तो अबंडेंस का उल्टा या विपरीत यहाँ पर हो सकता है स्केयर्स, लेस, जैसे लेस और मोर होता है वैसे ही स्केयर्स और अबंडेंट। स्केयर्स मतलब कम, अबंडेंट मतलब ज़्यादा। तो एंटोनिम यहाँ पर हो गया स्केयर्स। अगला क्वेश्चन जो हम इस पे बना सकते हैं वो ये है कि बॉटम वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉटम वाटर। सो बॉटम वाटर हैज़ अ क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन एंड सिंस इट इज़ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन द वाटर इज़ परमिएटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब पहला तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और दूसरा ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या पाया गया है, वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड पाई गई है। तो ये कुछ तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और पैसेज है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पैसेज की स्टार्टिंग में जो है आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हैज, हैव या हैड में से क्या आएगा, ऐड टू और ऑफ में से क्या आएगा, इज, आर और वर में से क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मुंबई विच वॉज अंटिल 1995 कॉल्ड एज बॉम्बे इज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ है, भारत के पश्चिमी तट पे है, इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, ऑफ। अब इसी तरीके से सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन मुंबई टूडे आर, अब क्योंकि हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ यूज़ किया है, ये एक से ज़्यादा है तो हम इस नहीं यूज़ करेंगे। टुडे की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं तो वर पास्ट टेंस होता है, वर हट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर। इसी तरीके से हम यहाँ कहते हैं मुंबई के लिए ही, इट इज़ द ट्रेडिंग एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल एट टू ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भारत की एंटरटेनमेंट कैपिटल है तो इट इज़ द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सही शब्द का प्रयोग होगा ऑफ। इसी तरीके से इट हैज़ हैव हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 14 मिलियन, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन अभी है, ये पुरानी बात नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पर हैड काम में नहीं ले सकते, सिर्फ एक जगह की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मुंबई शहर की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा शहर नहीं है, तो हम हैव काम में नहीं ले सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 14 मिलियन इनहेबिटेंट्स। अब अगला सवाल जो हो सकता है वो डायरेक्ट सवाल नहीं है, वो डिराइव सवाल है। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम फॉर मुंबई। अब यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ के डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा कि मुंबई का पुराना नाम क्या है, पर मुंबई विच वॉज अंटिल 1995 कॉल्ड एज बॉम्बे, तो यहाँ पर आप ये पढ़ के समझ सकते हैं कि अभी तक उसको क्या कहा जाता था, बॉम्बे कहा जाता था। तो ये एक तरीके का डिराइव क्वेश्चन हो गया। अब ये तो हो गया आपका पहला पैराग्राफ, अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। द मूवी मेकिंग इंडस्ट्री इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सप्लाइज जॉब टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे। ना यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, वाई इज़ मूवी मेकिंग इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट। तो ये एक डायरेक्ट सवाल हो गया, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर देता है, इट प्रोवाइड्स जॉब्स टू थाउजेंड्स एवरी डे।
दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग नेम ऑफ बॉलीवुड इन अमेरिका। तो यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा है, द नेम गिवन टू दिस इंडस्ट्री इन इंडिया इज बॉलीवुड, इट इज सिमिलर टू द अमेरिकन नेम विच इज हॉलीवुड। तो इसका अमेरिका में नाम हो गया हॉलीवुड। और एक और डिराइव्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है, नेम अ सिटी ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर डायरेक्टली अमेरिका की किसी सिटी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, पर इस सेंटेंस को अगर आप लास्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इट इज़ सिमिलर टू द अमेरिकन नेम ऑफ हॉलीवुड विच इज़ अ प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिटी का नाम भी हॉलीवुड है, तो हॉलीवुड हम कह सकते हैं कि एक प्लेस भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं जो सिंपल होते हैं, हायर लेवल एग्जाम्स में या डिफ़िकल्ट एग्जाम्स में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं और फैक्चुअल होते हैं, तो आप उनको पढ़ के समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास थी जो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ली है। अगली क्लास में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में समझेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन आपके निश्चित तौर पर सभी एग्ज़ाम्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम जो क्लास करेंगे उसमें हम मुख्यतः ट्रिक्स या शॉर्टकट्स देखने की कोशिश करेंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से कम समय में जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।